अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया रोज़ ब रोज़ जिधर की तरफ जा रही है, इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ हर रोज़ नई इनोवेशन आ रही हैं, वहीं ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मेट्रो और बुलेट ट्रेन के बाद अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और चीन में तो गाड़ियों के ऊपर चलने वाली बस के बारे में सोचा जा रहा है। इन तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा एक ऐसा सिस्टम सामने आया है जो फ्यूचर में इन तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पीछे छोड़ सकता है। इस सिस्टम का नाम है ग्रोसोपी सिस्टम। अभी सिस्टम के बारे में सोचा जा रहा है, इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन में बनाया जा रहा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अभी सोचा जा रहा है। दोस्तों, अगर इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में आ गया तो यकीन जाने ट्रांसपोर्ट में एक इंकलाब बरपा हो जाएगा। ये ग्रोसकोपिक व्हीकल देखने में किसी एलियन शिप की तरह होंगे। ये बहुत ही बारीक पहियों पर चलेंगे और इनका मुकम्मल कंट्रोल भी एडवांस होगा। इन ग्रोसकोपिक व्हीकल में बहुत ही ज़्यादा लोग सफ़र कर सकेंगे और इनका ट्रैक भी पहले से मौजूद रोड पर ही बनाया जाएगा और इनके बेस याद रखें हाइड्रोलिक होंगे और इनके रास्ते में आने वाली रुकावटों को ये ग्रोसकोपिक व्हीकल बहुत ही कमाल से पास कर लेंगे। इनमें एक्सीडेंट का ख़तरा बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी जब ऐसा हो तो इनके सेफ्टी एयरबैग खुल जाएंगे। दोस्तों, आप बताएं कि आपको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा लग रहा है और आप इसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इमरजेंसी में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम की एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी होगी। उस गाड़ी के अंदर तमाम तर सामान रखा गया होगा जिससे वो आग बुझाई जा सकेगी। अगर आपको हम ये कहेंगे कि आग बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी इस सिस्टम के तहत बुझाई जा सकेगी तो गलत ना होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक ड्रोन ऊपर जा रहा है बिल्डिंग की तरफ जहां आग लगी हुई होगी और वहां आग की वाली जगह ये ड्रोन पहुंचकर वहां ये पानी फेंकेगा। पानी की वजह से ये आग बुझ जाएगी, उसके बाद ये लोगों को वहां से निकाल कर आसानी के साथ रोड पर ले जाएगा। दोस्तों, इस जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें लाजमी कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट का लाजमी इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।